आप घर बनाने का सोच रहे हैं या फिर घर को एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं या फिर जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं, उस सबसे पहले जो है आपको ये होम लोन वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या सरकार के टर्म एंड कंडीशन है होम लोन के, क्या कंडीशन है जमीन पे लोन लेने का, और किस तरह के होम लोन मिलते हैं, क्या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेना सही रहेगा होम लोन के लिए या फिर फिक्स इंटरेस्ट रेट लेना सही रहेगा, कौन कौन सी कंपनियां हैं बैंक के अलावा जो अच्छी होम लोन देती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको बता दें हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स और अपडेट आपके लिए इसी चैनल पे करते रहते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगा और उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखेंगे। सबसे पहला सवाल आपने यही पूछा था कि क्या मुझे प्रॉपर्टी के मूल्य के बराबर होम लोन मिल सकता है। जी नहीं, आपको प्रॉपर्टी के मूल्य के बराबर होम लोन नहीं मिल सकता। बैंक या फिर कोई भी संस्थान जो होम लोन देती है वो 20% अपने हाथ में रखती है। मतलब आपके प्रॉपर्टी का मूल्य एग्जाम्पल के लिए अगर 100 रुपए है तो आपको 80 रुपए तक का होम लोन मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो मूल्य होता है वो 10 से 20% कंडीशन के ऊपर फ्लक्चुएट कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि बैंक या संस्थान ये कैसे तय करता है कि हमें होम लोन पे कितना ईएमआई देना है। आपको बता दे, आगे मैं आपको जो बताऊंगा कि क्या टर्म एंड कंडीशन है लोन के, उसमें आप ये समझ जाओगे कि आपकी जो मंथली इनकम होती है उसके 50 से 60% तक आपकी ईएमआई फिक्स की जा सकती है, लेकिन बैंक ईएमआई कम फिक्स करती है ताकि लोन लंबे अवधि तक चले और उनको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ब्याज दर भी मिले। अब तीसरा क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या मैं एक समय में दो बैंकों से लोन ले सकता हूं। जी हाँ, ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके देने की क्षमता पर। मतलब बैंक डिसाइड करेगी, बैंक देखेगी कि अगर आप दो जगह लोन का ईएमआई भर सकते हो तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बैंक अलग-अलग लोन दे सकती है। आप समझते हैं उसके बाद होम लोन मंजूर होने में कितना समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि आगे आप जो समझोगे कि कितने तरह का होम लोन होता है उसमें आप किस तरह का होम लोन ले रहे हो। अगर आपके पास प्रॉपर्टी पहले से है तो उस कंडीशन में लोन जो है मुश्किल से 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में सेंक्शन हो जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो हो सकता है 3 हफ्ते तक सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करने में लग जाए, लेकिन होम लोन मिलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से मिल जाता है। आप समझते हैं फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट में क्या अंतर है और किस पे हमें लेना चाहिए लोन। आपको बता दे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जिस समय आप लोन ले रहे हो उस समय जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही आपका पूरे लोन अवधि तक चलता रहेगा, इसको कहा जाता है फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना। और आरबीआई जो है बैंकों को इजाजत देती है कि आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे भी लोन दे सकते हो। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो भी बढ़ा दिया जाएगा आपके लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इन लोन का अमाउंट जो है घटा दिया जाएगा, इसको कहा जाता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का फायदा यह है कि आप जब पहले पैसा जमा करते हो, जिसको बोलते हैं प्रीपेड पैसा जमा कर देना, प्री पैसा जमा करना, उस कंडीशन में आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। आगे मैं आपको समझा दूंगा कि ये पहले पैसा जमा करने पे किस तरह का फीस है। अगला जो क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या मैं अपनी होम लोन की बकाया राशि को प्री पेमेंट कर सकता हूं। जी हां, आप प्री पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है तो आपको कोई भी प्री पेमेंट फीस तो नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है तो आपको प्री पेमेंट 2% से 4% बकाया राशि पे भरना होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा था वो था, क्या मैं अपने होम लोन की अवधि के दौरान फिक्स इंटरेस्ट रेट को फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करवा सकता हूं। जी हाँ, आप करवा सकते हो, लेकिन बैंक इसके लिए भी आपको कुछ कन्वर्जन चार्ज ले सकती है या फिर प्रोसेसिंग चार्ज ले सकती है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन, कौन सा बैंक बताइए कि बेस्ट होगा होम लोन लेने के लिए। मैं आगे चलकर आपको हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट बताऊंगा, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है। आपको बता दूं, कई बैंक जो होते हैं लोन जल्दी दे देते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि होम लोन के लिए मेरा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए। तो आपको बता दे, 750 या फिर 750 से अधिक आपका सिविल स्कोर है तो आपको होम लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपने पूछा था, मेरे होम लोन में सह आवेदक कौन बन सकता है, क्या मेरा दोस्त सह आवेदक बन सकता है। मैं आपको दूंगा, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे आपके पिता, आपके माता, आपकी पति पत्नी, कोई भी बच्चे बन सकते हैं सह आवेदक, लेकिन दोस्त नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा था, क्या होम लोन में प्री पेमेंट फीस लागू होता है। जी हां, अगर आप फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन लिए हैं तो पेमेंट फीस लागू होता है। तो आगे देखते हैं होम लोन के बारे में एक-एक डिटेल, एक-एक चीज को समझिए, और लास्ट में आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। होम लोन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हर एक कंडीशन के लिए अलग तरह का होम लोन होता है। मतलब कुल मिलाकर पूरे भारत में अलग-अलग बैंकों के द्वारा
आठ तरह के होम लोन दिए जाते हैं। सबसे पहले तरह का होम लोन होता है होम परचेज लोन। होम परचेज लोन में क्या होता है, इसमें रेडी टू मूव घर आप खरीद सकते हैं, आधा अधूरा बना हुआ घर खरीद सकते हैं। पहले से अगर वो घर में कोई व्यक्ति रह रहा है और वो बेचना चाह रहा है तो उस तरह के घर को खरीद सकते हैं। इस कंडीशन में होम परचेज लोन में आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का 75% 75% से 90% तक का लोन मिल जाता है। दूसरे तरह का लोन होता है कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन में जमीन खरीदने से लेके घर बनाने तक के लिए लोन मिलता है। सबसे पहली किस्त जारी होती है जमीन खरीदने के लिए और तीन किस्त जारी होती है जैसे जैसे आप घर बनाते जाओगे उसके बाद आपको लोन मिलता जाएगा। तीसरे तरह का लोन होता है होम कंस्ट्रक्शन लोन। होम कंस्ट्रक्शन लोन का अच्छा बात यह है कि इसमें भी चार किस्त में पैसे रिलीज होते हैं। जैसे जैसे आप घर बनाते जाते हो बैंक आपको लोन देते जाती है, पैसे आपके अकाउंट में देते जाती है। उसके बाद चौथे तरह का लोन होता है उसको कहा जाता है होम रिनोवेशन लोन। होम रिनोवेशन लोन में मेनली जो होता है वो घर के मरम्मत के लिए होता है, या फिर आप घर का इंटीरियर करवाना चाह रहे हो या फिर घर को एक्सटेंड करना चाह रहे हो उस कंडीशन में आपको होम रिनोवेशन लोन मिलता है। ये चार तरह के जो लोन बताए मैंने ये बहुत ही पॉपुलर है और इसमें सबसे आम लोन जो है, सबसे जल्दी मिलने वाला लोन जो है वो है होम परचेज लोन। इसमें 75% से 90% प्रॉपर्टी के वैल्यू का आपको लोन मिलता है। अगला जो होम लोन का टाइप है उसे कहा जाता है होम एक्सटेंशन लोन। इसमें जो होता है अभी मौजूदा आपका जो घर है इसमें अगर आप कुछ एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, अगर आप एक फ्लोर और बनवाना चाहते हैं या फिर कुछ नया बनवाना चाहते हैं उस कंडीशन में दिया जाता है। ये लोन बहुत ही आसानी से मिल जाता है और आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का 75% से 90% तक लोन मिल जाता है। इसके बाद दूसरी तरह का लोन होता है उसे कहा जाता है ब्रिज लोन। ब्रिज लोन बहुत ही कम अवधि के लिए दिया जाता है और ब्रिज लोन इस कंडीशन में दिया जाता है कि आप एक पुराना घर है जिसको आप बेच रहे हो और उसी पैसे से नया घर खरीदने वाले हो और ये बेचने के क्रम में और खरीदने के क्रम में जो बीच का पैसे की जरूरत होगी आपको जो वो आपको बैंक देगा, फिर आपका वो घर कंप्लीटली बिक जाएगा। जब आप पैसे आपके हाथ में आ जाएंगे तो आप वो चुका दो। इसको कहा जाता है ब्रिज लोन। उसके बाद होता है इंटरेस्ट सेवर लोन। इंटरेस्ट सेवर लोन में क्या होता है कि आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है होम लोन का अकाउंट और जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आप डालोगे वो आपके होम लोन वाले अकाउंट में चला जाएगा और आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। उसके बाद दूसरा तरह का लोन होता है उसे कहा जाता है स्टेप अप लोन। स्टेप अप लोन में क्या होता है कि शुरुआती दौर में तो कम ईएमआई लगता है लेकिन धीरे धीरे ईएमआई बढ़ते जाता है। स्टेप अप लोन मेनली उनके लिए है जिन्होंने अपने बिजनेस को नया स्टार्ट किया है तो शुरुआती दौर में वो कम ईएमआई देते हैं और धीरे धीरे ईएमआई को बढ़ाते रहते हैं। इसमें से आपको ये समझना पड़ेगा इन आठों तरह के होम लोन में से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होगा। अगर आपको सुनना है तो आप रिमाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा और इसके बारे में एक डिटेल नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका नोट्स पीडीएफ लिखा हुआ प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद देखते हैं कि अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट क्या है। होम लोन लेने से पहले आपको सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी बैंक में आसानी होम लोन मिलने में लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो तो उस हिसाब से समझ कर लोन लीजिएगा। सबसे पहले आप ये देखिए इंटरेस्ट रेट जो है समय समय पर बदलाव होते रहता है तो आप कॉमेंट कर दीजिएगा आप किस मंथ में लेने जा रहे हैं तो हम आपको बता देंगे कि उस समय करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। देखिए SBI का जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.50% से लेकर 10.15% तक है। HDFC का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.50% से शुरू है और 11% तक जाता है। ICICI बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है 9% से स्टार्ट है और 10.5% से है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.90% से 10.90% तक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है 8.85% से लेकर 10.95% तक है। एक्सिस बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.75% से शुरू है और 12% तक है, 12.70% तक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है 8.85% से शुरू है और 11-12% तक इसका भी जाता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन है वो 8.45% से स्टार्ट है और 10% तक जाता है। फेडरल बैंक का 10% से शुरू है 10.15% से और 10.30% तक जाता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 8.70% से शुरू है। ICICI फर्स्ट बैंक का 8.85% से शुरू है। PNB हाउसिंग फाइनेंस का 8.50% से शुरू है और 14% तक जाता है। टाटा कैपिटल का जो है 8.95% से होम लोन शुरू है। L&T हाउसिंग फाइनेंस जो है 8.65% के इंटरेस्ट पे होम लोन देता है और 8.75% तक।
L&T, उसके बाद है स्टार्टर चार्टर बैंक का 8.65% से शुरू है। ये सारे इंटरेस्ट रेट थे जो अभी करंट में चल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं होम लोन देने की। बैंकों ने कुछ टर्म एंड कंडीशन सेट करके रखे हैं कि ये सारे टर्म एंड कंडीशन होंगे तो आपको आसानी से होम लोन मिल जाएगा। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन सबसे कॉमन है कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरा टर्म एंड कंडीशन आता है क्रेडिट स्कोर को लेके। आपका क्रेडिट स्कोर जो है 750 या 750 से अधिक होगा तो आपको होम लोन आसानी से मिल जाएगा। आपका उम्र जो होना चाहिए वो 18 साल से लेके 70 साल तक होना चाहिए। अगर आप कार्य नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम 2 साल से कंटिन्यू नौकरी करते होने चाहिए। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट जॉब में कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कम से कम 3 साल तक। न्यूनतम सैलरी जो आपकी होनी चाहिए वो है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये से कम होता है तो होम लोन देने में ये लोग दिक्कत करते हैं। उसके बाद जितना देखिए, जो भी आपका प्रॉपर्टी, अगर आपने जमीन पहले से खरीद रखा है तो उस प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक आपको होम लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा भी हर स्कीम में अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होते हैं। आपको बता दें, पीएम आवास योजना इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप पीएम आवास योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन ये जो होम लोन वाला कंडीशन है ये डिफरेंट है, और पीएम आवास वाला जो लोन मिलता है वो डिफरेंट है। इसीलिए दोनों के टर्म एंड कंडीशन भी डिफरेंट है। जब आप जाते हो बैंक में तब आपको पता चलता है कि आपसे बैंक में अलग अलग तरह के फीस लिए जाते हैं जो आपको लोन देने के लिए लिए जाते हैं। सबसे पहला फीस लिया जाता है प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। इसमें आपकी राशि जो होगी लोन राशि, उसका 1% या 2% लिया जाता है। उसके बाद जो होता है, एक दूसरा कंडीशन होता है प्री पेमेंट फीस। मतलब जब आप अपना पेमेंट समय से पहले कर देते हो, मतलब आपने 8 लाख रुपए लोन लिया था जिसका ईएमआई आपको 5 साल तक भरना था, लेकिन किसी कंडीशन में आपके पास पैसा आ गया और आप चाहते हो कि 3 साल में ही बंद कर दे, उस कंडीशन में आपको प्री पेमेंट फीस जमा करना पड़ता है और वो होता है लगभग लगभग 2% से 4%। चार मतलब जो बकाया शुल्क बच गया है ना, जितना आप प्री पेमेंट करना चाहते हो उसका 2% एक्स्ट्रा या फिर 4% एक्स्ट्रा। उसके बाद होता है ईएमआई पर बकाया फीस। अगर आप ईएमआई पर लेट से जमा करते हो तो उस कंडीशन में आपको 2% देना पड़ता है। अगर आपका ईएमआई जो होता है बाउंस हो जाता है, नहीं जमा कर पाते हो किसी कंडीशन में, तो आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और उसके अलावा हर बैंक का एक लीगल फीस भी होता है। ये सारे फीस और शुल्क हैं जो आपको लोन लेते समय पता चलेगा और लोन लेते समय जो आपको भरना पड़ता है। जब आप होम लोन लेने जाते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है। उनमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होगा वो होगा आपका पहचान पत्र। पहचान पत्र के लिए आप जो है आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो या फिर किसी भी तरह का लाइसेंस दे सकते हो। उसके बाद होता है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र के लिए आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो या फिर अपना 10 का मार्कशीट दे सकते हो, हाई स्कूल का मार्कशीट दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, ये सब दे सकते हो। निवास प्रमाण पत्र के लिए आप राशन कार्ड दे सकते हो, बिजली बिल की कनेक्शन का कॉपी दे सकते हो, पासपोर्ट जो होता है वो भी चलेगा निवास प्रमाण पत्र के लिए। उसके अलावा बैंक के पासबुक का फर्स्ट कॉपी भी चलेगा। आयु प्रमाण पत्र जो होता है नौकरी और गैर नौकरी पेशे के लिए अलग अलग होता है। जो नौकरी करने वाले हैं उनको फॉर्म 16 का कॉपी देना पड़ता है, सैलरी स्लिप का कॉपी देना पड़ता है और ITR जो रिटर्न भरा है उसका कॉपी देना पड़ता है। जो गैर नौकरी पेशा है उनके लिए पिछले 3 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न देना पड़ता है, और इसके अलावा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, बिजनेस की लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ती है और बिजनेस का पता जो है उसका कॉपी देना पड़ता है। उसके बाद प्रॉपर्टी के पेपर देने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर में आप NOC जमा करना पड़ता है नगर निगम का कि आपको घर बनवाने का अनुमति है। उसके अलावा जो खर्च का एस्टीमेट लगेगा वो आपको बनवा के जमा करना पड़ता है। उसके बाद आपने जो सेल या परचेज किया है, घर खरीदा है, उस कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन पेपर था वो सारा जमा होगा। अलॉटमेंट लेटर, आपको किसी भी तरह सरकारी जमीन मिली है तो उसके लिए अलॉटमेंट लेटर लगेंगे। ये सारे पेपर्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको सेव करके रख लीजिए इस वीडियो के इस पार्ट को, या फिर जो है कहीं लिख के रख लीजिए, नहीं तो मैं आप कमेंट कर देना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा सारा चीज लिखा हुआ। अब देखते हैं कि होम लोन में जो टैक्स लाभ मिलता है वो कैसे लेना है। जो भी टैक्स पेयर है उनके लिए होम लोन बहुत ही अच्छा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अच्छा खासा राशि जो है टैक्स के तहत बचत कर सकते हैं। होम लोन पे टैक्स छूट जो है 2 सेक्शंस के तहत मिलता है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 24B और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80C। सेक्शन 24B में ब्याज भरने पर आपको 2 लाख रुपए तक का टैक्स छूट मिलता है, वहीं सेक्शन 80C में आपको मूल लोन की राशि पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस के भी राशि पर 1.5 लाख रुपए
तक का छूट मिलता है। आपको बता दे, जो लोग टैक्स भरते हैं उनके लिए होम लोन सबसे बेस्ट है। आप समझते हैं सबसे जरूरी चीजें जो आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो होम लोन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, किस बैंक से लेना चाहिए, क्या इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, क्या करंट इंटरेस्ट रेट है, कोई भी क्वेश्चन हो, किस स्टेट में रह रहे हो और कितना होम लोन चाहिए, किस बैंक से लेना सही रहेगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको बता दें गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं और स्कीम्स ऐसी होती है जो आप तक नहीं पहुंच पाती। उन सभी योजनाओं और स्कीम्स को आप तक लाने के लिए हम आसान भाषा में वीडियो बनाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।